इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवाधिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। वैराग्य शतक कृति के माध्यम से पूर्वाचार्यों की भावनाओं को अपने लिए उपयोगी समझते हुए गाथा नंबर 94 पढ़ी जाती है। अथिरेण थिरो समलेण निम्मलो पर्वसेण साहीणो देहेण जय विढप्पै धम्मोता किम् न पज्जतम्। आचार्य कहते हैं देहेण जयी विढप्पई, इस देह से अगर कुछ चीजें प्राप्त हो जाएं तो उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देह का भी स्वभाव बताया जा रहा है और उसके विपरीत जो आत्म तत्व है उसका भी स्वभाव बताया जा रहा है। या यूं कहें कि देह से विपरीत जो कुछ भी है उसको भी प्राप्त करने का अगर प्रयोजन बन जाता है तो आचार्य कहते हैं वह प्राप्त कर लेना चाहिए। देह का सबसे पहला स्वभाव है अथिर होना, अस्थिर होना। अस्थिरता से यह देह चलती है और अस्थिर होने का मतलब होता है कि देह के साथ में होने वाली कोई भी चीजें स्थिर नहीं है। देह में बनने वाली कोई भी धातुएं उपधातुएं सदा स्थिर नहीं रहती और देह की अवस्था में परिवर्तन होना ये उसका सबसे बड़ा अस्थिरपन है। ये ठीक है कि देह में पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां बनी रहती हैं, लेकिन उनकी शक्ति में कमी आना उस देह की अस्थिरता, उसकी वृद्धता के साथ में दिखाई देना और उस देह की अस्थिरता में अनेक रोग आदि की उत्पत्ति होना ये सभी के लिए समझ में आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यह देह स्थिर नहीं है, स्थाई भाव के साथ में नहीं है और देह की स्थिरता नहीं होने का मतलब ही है कि यह देह
किसी भी क्षण किसी भी तरह से आपके लिए पीड़ा उत्पन्न भी कर सकती है और आपके अपने जो स्वभाव हैं उसको वह बदलने में कारण भी बन सकती है। देह के कारण अस्थिरता भी आती है, देह स्वयं अस्थिर है और अगर उसका अस्थिर स्वभाव और ज्यादा दिखाई देने लग जाए, प्रकट होने लग जाए, तो उससे भी मानव मन में एक अस्थिरता आने लग जाती है, क्योंकि मन देह से ही जुड़ा होता है। अस्थिर होने का अगर भाव ज्यादा दिखाई दे जाए, यानी शरीर में बनने वाले वात पित्त कफ हैं, अगर ये समान तरीके से परिवर्तित होते रहें, साम्य अवस्था में बने रहें, तो ठीक चलता है, और कहीं कुछ बिगड़ जाए, ये रोग का लूप ले लें, प्रकुपित हो जाएं, तो ये अस्थिरता भी मन की अस्थिरता के लिए कारण बन जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि जिसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है उसका मन भी विचलित हो जाता है, उसका मन भी धीरे धीरे रुग्ण होने लग जाता है। यूं कहें कि देह की अस्थिरता से मन की अस्थिरता बन जाती है तो ये बहुत सामान्य बात है, क्योंकि देह में अगर कहीं पर भी ये दिखाई देता है कि ये अब बचने वाली नहीं है देह, तो आप समझें कि उसके मन में कितनी अस्थिरता, कितनी चंचलता, कितना भय, कितना उसके अंदर भीतर से दुख बैठ जाता है। ये अस्थिरता का स्वभाव है, ये जानते हुए भी मन के अंदर वह बात जब बैठ जाती है तो वह मन को भी रोगी बना देती है। ये इसलिए भी होता है कि जब हम देह और आत्मा को एक मान लेते हैं और देह को ही आत्मा मानते हैं, तो हमें देह की अस्थिरता में दुनिया फिर अस्थिर दिखने लग जाती है। हमारे केंद्र में सिर्फ देह होती है, देह मिटी माने हमारी दुनिया मिटी, देह से अगर हमें सुख नहीं माने दुनिया में कहीं सुख नहीं, देह में अगर रोग हो गया माने अब हमारे मन में कुछ भी अच्छा लगने का नहीं। ये देह के केंद्र पर जब हमारा मन टिका हुआ होता है तो इस तरह के परिणाम उस मन में आना सहज होता है। इसलिए हमेशा दुनिया में हर प्राणी एक ही भाव में रहता है और देह के ही केंद्र बना करके चलता है और देह के साथ ही एक मेक होकर के वह अपने भाव जोड़ करके रखता है। अब इस दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो सारे के सारे जो भाव बनते हैं वह सब देह के आश्रित हो जाते हैं, और वह देह अगर अस्थिरता के भाव में आ गई तो सारा मन कितना भी कुछ ना उसने कुछ ना कुछ उपलब्ध किया हो लेकिन उसका मन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। देह की अस्थिरता में सब अस्थिर हो जाता है, अस्थिर का मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। आपका मन चीजों को अच्छे ढंग से संभालते हुए आगे चल रहा हो, व्यवसाय संभाल रहा हो, घर परिवार संभाल रहा हो, लेकिन अगर आपकी देह अस्थिर हो गई तो सब बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। तो देह की अस्थिरता अपने आप में होने के लिए भी जो कारण है तो उसके लिए भी आचार्य कहते हैं यह भी एक अस्थिर नाम कर्म के उदय से भी देह में अस्थिरता आ जाती है। दो तरह के नाम कर्म बताए गए, एक स्थिर और एक अस्थिर। अस्थिर नाम कर्म के उदय से रोग हो जाते हैं, जल्दी भी हो जाते हैं। अस्थिर नाम कर्म के उदय से देह में किसी भी तरह की प्रतिकूलता आने पर पीड़ाएं उत्पन्न हो जाना और किसी भी तरह के वातावरण या मौसम के परिवर्तित हो जाने पर रोग आदि हो जाना, ये अस्थिर नाम कर्म के कारण से होता है। स्थिर नाम कर्म का उदय होगा तो आप सहन कर लोगे, थोड़ा सा भी कुछ मौसम परिवर्तित होगा, जुकाम खांसी बुखार न आए, ये स्थिर नाम कर्म का उदय समझना।
और थोड़ा सा भी मौसम परिवर्तित हुआ और तुरंत बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त, तमाम तरह की बीमारियां लग जाएं, ये समझना अस्थिर नामकरम का उदय। ये अस्थिर नामकरम के उदय के कारण से बहुत जल्दी शरीर में रोगों का प्रकोप होता है, अस्थिरता आती है। और स्थिर नामकरम का उदय बना भी रहे तो इतना तो ठीक है कि वह रोग से बचा रहता है, लेकिन शरीर की अस्थिरता अनेक तरह से उसके सामने कभी भी आ सकती है। एक्सीडेंट हो जाना, किसी भी तरह का और कोई आघात पहुंच जाना, किसी भी कारण से उसके लिए वृद्धावस्था भी समय से पहले आ जाना, और किसी की भी कारण से उसके लिए वृद्धावस्था में आने से पहले ही मरण आदि हो जाना, ये सब स्थिर नामकरम के उदय होते हुए भी संभव होता है। तो नामकरम के उदय तो दोनों है, अस्थिर भी है और स्थिर भी है। अब अस्थिर और स्थिर ये दोनों नामकरम के उदय देह में दोनों भाव बनाए रखते हैं। कभी आपकी धातु उपधातुओं में स्थिरता बनी रहती है अस्थिर नामकरम के उदय के कारण से, रोग आदि से उनका बचाव होता रहता है। अगर कभी अस्थिर नामकरम का उदय तीव्र हो जाता है तो रोग आदि का प्रकोप ज्यादा हो जाता है और वह स्थिरता जो थी वो विचलित हो जाती है। ये दोनों ही नामकर्म जुड़े हुए हैं शरीर से, लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है अथिरेण थिरो, यहां आचार्य कहते हैं अस्थिर से स्थिर को प्राप्त कर लो। क्या कहते हैं? अस्थिर शरीर है, उसमें भले ही चाहे अस्थिर नामकरम का उदय हो चाहे स्थिर नामकरम का उदय हो, वो कुछ समय के लिए निरोग भी रहा आए, वह रोग से रहित होकर के आपका शरीर भले ही स्थिरता के साथ में चला आए, लेकिन फिर भी स्थिर को प्राप्त कर लो। अब आपके सामने दो चीजें हैं, एक अस्थिर वस्तु है और एक स्थिर वस्तु है। अब वो स्थिर क्या होता है? अस्थिर तो यहां देह के लिए कहा जा रहा है, जितना भी यहां विशेषण बनाए गए अथिरेण समलेण ये सब देहेण इसके साथ जुड़ते हैं, ये देह है। तो देह की अस्थिरता के होते हुए भी कुछ ऐसी चीजों का उपार्जन कर लो, कुछ ऐसा प्राप्त कर लो जो स्थिर हो। तो क्या कहते हैं स्थिर क्या है? धम्मोता किमणा पज्जंतु, तो उस धर्म के लिए क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है जो धर्म तुम्हारे अंदर हमेशा स्थिर रहेगा। स्थिर क्या है? धर्म स्थिर है। अब कौन सा धर्म स्थिर है? जो आप पूजन कर रहे हो वो स्थिर है, जो स्वाध्याय कर रहे हो वो स्थिर है, क्या स्थिर है? जो आप दान आदि कर रहे हो वो स्थिर है, क्या स्थिर है? जो धर्म है वो स्थिर है। अगर वह पूजन से धर्म हो रहा है तो स्थिर है, स्वाध्याय से धर्म हो रहा है तो स्थिर है, दान से धर्म हो रहा है तो स्थिर है, बस वो धर्म के भाव के साथ होना चाहिए। पूजा का भाव भी धर्म के भाव के साथ होना चाहिए, स्वाध्याय में भी धर्म का भाव जुड़ना चाहिए, दान आदि में भी धर्म का भाव जुड़ना चाहिए, वो धर्म के साथ हो तो स्थिर है। पूजा से भी धर्म होता है, अगर वो धर्म हो गया आपके भीतर स्थिरता आ गई तो वह धर्म आपके अंदर स्थाई हो गया। पूजा से क्या धर्म हो जाएगा? तो जो आपके अंदर पूजा करते हुए अपने पूज्य के प्रति जो श्रद्धा बैठ गई, अपने पूज्य के प्रति हमेशा ये अनुराग बैठ गया कि इसी पूजा से इसी श्रद्धा से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, ये आपके अंदर बैठ गया तो यही श्रद्धा स्थिर हो गई। अगले जन्म में भी आपको अपने आप आपको भगवान की याद आने लगेगी, अपने आप आपके अंदर पूजा करने का भाव आने लगेगा, अपने आप आपको भगवान को देखकर प्रतिबिंबों को देख करके उल्लास उत्पन्न होने लगेगा। ये संस्कार,
ये धर्म है और इसी धर्म को प्राप्त करने के लिए यहां कहा जा रहा है अथिर से भी स्थिरता को उपार्जन कर लो। दो चीजें आपके सामने हमेशा रहेंगी क्योंकि दुनिया इसी का नाम है। दो से दुनिया बनती है, एक से दुनिया नहीं बनती है, समझ में आ रहा है? तो दुनिया है तो दो चीजें हैं और वो दो चीजें क्या है, एक अस्थिर चीज भी आपके सामने है और एक स्थिर चीज भी आपके सामने है। अब आपके ऊपर है कि आपका फोकस किस पे है। अगर दुनिया में है तो दो चीजें हैं और अगर हम अपनी दुनिया से अपने आप को बचाना चाहते हैं या हम अपनी दुनिया को खुद समाप्त करना चाहते हैं तो दो से एक पे आना पड़ेगा। सुन रहे हो? एक में दुनिया नहीं होती है, दुनिया बनती है दो से, नाम ही है उसका दुनिया, दू से शुरू होती है वो दुनिया। दुनियादारी की बातें, जब दूसरा कोई होगा अपने साथ में तो होती है, नहीं तो एक आदमी अकेला मस्त रहता है, उसे दुनिया से कोई चिंता ही नहीं होती, दुनिया उसके बारे में कुछ भी कहती रहे कुछ भी बकती रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दूसरा है साथ में इसका क्या होगा तो उसकी चिंता पड़ती है। तो दुनिया दो से बनती है और दो आपके पास में है कि नहीं, जब जब दो आपको महसूस होंगे तब तब आपको चिंता होगी, जब जब आपको एक महसूस होगा तो आपको कभी चिंता नहीं होगी। अब दो आपके पास में है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा कोई आपका साथी संगाती भी हो सकता है, दूसरा कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता है या आपके अपने परिवार का भी कोई हो सकता है। दो हैं तो दुनिया है, लेकिन यहां आचार्य कह रहे हैं अगर तुम अकेले आदमी हो तो भी तुम दो हो, तो भी तुम दो हो, एक नहीं हो। अकेला आदमी भी दो के साथ में है और उसके पास भी दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब अकेले के पास में दो क्या है और दोनों अलग अलग चीजें हैं, अकेला भी आदमी है तो उसके पास में दो हैं और अगर वो एक के साथ दो हो गया तब तो फिर दो और दो चार हो गए, फिर तो फिर चार को संभालना है, दो को नहीं संभालना है, बस उसी के संभालने में बस फिर दुनिया दिखने लग जाती है। और अगर आप अकेले होकर के भी अपने अंदर ये महसूस कर पाते हो कि मैं दो हूं तो वो दो क्या है, अगर आपको वो दो दिखाई दे रहे हैं, दो आपके साथ में चल रहे हैं शरीर और आत्मा, तो समझो कि अभी भी हम दुनिया में ही चल रहे हैं। अब दुनिया से हटना है तो बस और कुछ नहीं करना, दो पर फोकस ना करके फोकस एक पे करना, क्योंकि दो से दुनिया है और एक से मोक्ष है। बस संख्या जब भी शुरू होती है दो से शुरू होती है, जैन गणित में, आपका गणित आप जानो, आपके गणित में संख्या एक से शुरू होती होगी लेकिन जैन गणित में संख्या दो से शुरू होती है। जानते हो क्यों? लॉजिकल है ये। एक से संख्या अगर शुरू करते हैं तो एक का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो एक के पहाड़े में क्या होता है, एक एकम एक, एक दूनी दो हो जाता है क्या, क्या समझ में आ रहा है? बोलते तो ऐसे ही है, एक दूनी दो, एक तीयो तीन, ऐसा कहीं नहीं होता है। एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही तो रहेगा, आप ऐसे कैसे बोल लोगे? दो का पहाड़ा पढ़ते हो तो दो दूनी चार, दो तीयो छह, समझ आ रहा है? पहाड़ा दो से शुरू होता है, एक का कोई पहाड़ा नहीं होता है, वो आपको पढ़ाया जाता हो तो बात आपकी अलग है, आपके गणित की बात अलग है, जैन गणित में एक का पहाड़ा नहीं होता है, समझ आ रहा है? एक में एक ही रहेगा, एक में एक 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 के साथ गुणा करना है आपको, एक में एक का गुणा करोगे एक रहेगा, समझ आ रहा है? एक में फिर एक का गुणा कर दोगे तो फिर एक रहेगा, लेकिन दो में एक का गुणा करोगे तो दो रहेगा, लेकिन दो में दो का गुणा किया तो दो दूनी चार हो गया, दो तीयो
छह हो गया, यहां संख्या बनती चली जाती है। संख्या वो होती है जो आगे आगे कहीं बन रही हो। एक में कभी भी संख्या हुए बढ़ने के लिए कारण तो बन सकती है, लेकिन एक को संख्यात नहीं कहा जाता, एक को एक इकाई कहा गया, बस एक है वो। संख्यात की जो गणना होती है वो दो से शुरू होती है। दो है तो कुछ संख्या कहलाएगी भाई, है कुछ है, एक अकेले को क्या संख्या बोलना, एक तो उसके ही अपने अस्तित्व के लिए है, एक तो अकेला ही होता है, एक की कोई संख्या नहीं गिनी जाती है कि भाई ये एक आदमी है, ऐसा कहने में आ जाता है, लेकिन एक आदमी को कहने की जरूरत नहीं है कि वो आदमी है, बस इतना ही पर्याप्त। जब वहां एक से ज्यादा हो तो कहना पड़ता भाई यहां दो आदमी है या तीन आदमी है, और नहीं है तो एक की कोई गिनती नहीं है, वह है बस अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो दुनिया दो से बनती है। अब आप उस दो को समझोगे, दो क्या है। इसलिए जब भी पहले पहाड़े चलते थे तो मुझे किसी ने बताया कि दुनिया बोलते थे इसको, पहाड़े को भी दो के पहाड़े से शुरू होती थी, माने दो से ही दुनिया शुरू होती है। दुनिया बोलते, दुनिया सुनाओ, लो सुन लो, दुनिया सुनाओ। तो दुनिया सुनाने का मतलब दो से हमें सुनाओ, दो से गिनती सुनाओ, दो से पहाड़ा सुनाओ। एक का पहाड़ा नहीं सुनता कोई भी, एक एक अम्बो, एक एक दुनी, दो एक तीयो तीन, ये कोई नहीं सुनता है, ये सबको पता होता है। दो से पहाड़ा शुरू होता है। तो जहां आपकी दुनिया शुरू होगी वहां दो से शुरू होगी। अब ये आप पक्की मान के रख लो अपने मन के अंदर। अब दो अगर आपने कोई दूसरा एक और अपने बगल में बिठा लिया, जैसे कि कल कहानी में बता रहे थे राजा सिद्धार्थ और त्रिशला जी बगल में आकर के बैठ गए। अब ऐसी दुनिया शुरू करना है तो ये भी एक दुनिया है, और अगर भगवान महावीर स्वामी को देखना है तो उनकी भी अपनी एक दुनिया है। दो जब तक रहेंगे तब तक दुनिया है, संसार है, और दो से एक होने का नाम ही संसार से दूर हटना है। समझ पा रहे हो? बस दो से एक होना। जितना ज्यादा आप दो में जुड़ते चले जाओगे कि हमारे पास दो हो जाएं, फिर दो के चार हो जाएं, वो आप दुनिया में बढ़ते चले जाओगे। वैराग्य उसको कहते हैं जो अपनी दुनिया न बढ़ाए। वैराग्य उसको कहते हैं जिसे अपनी गिनती बढ़ाने में मजा न आए, किसी भी चीज की गिनती। वैराग्य उसको कहते हैं जो अपने अंदर सिर्फ अपने आप को एक माने और बाकी के जितने भी उसके आसपास रहें उन्हें कभी भी अपनी गिनती में ना ले कि ये मेरी गिनती में आते हैं। इसका नाम क्या है? वैराग्य। वैराग्य होगा तो निर्भीकता होगी, वैराग्य नहीं होगा तो भय आपके समक्ष खड़ा है। इसलिए वैराग्य मेवा भयम ऐसा कहा गया है, वैराग्यम एव अभयम, वैराग्य ही अभय है। अगर आप अभय रहना चाहते हो, निर्भीक रहना चाहते हो, तो आपको ये वैराग्य की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि दो से जुड़े भय उत्पन्न हुआ। अब मान लो हम अपने शरीर से भी जुड़े तो भय हो गया, शरीर मिट ना जाए, शरीर मर ना जाए, शरीर को कोई आफत ना पहुंचा दे, शरीर कट ना जाए, दो से जुड़े तो भय हो गया। और अगर आप अपने भी शरीर से नहीं जुड़े तो आपके अंदर कोई भय नहीं, एक से जुड़ोगे तो कोई भय नहीं। अब शरीर के अलावा किसी दूसरे और व्यक्ति से जुड़ गए तो अब आपको लगता है आपकी सुरक्षा हो गई, एक से दो भले, बोलते हो ना, दो से चार भले, भले क्यों, क्योंकि उनसे हमारा भला होता रहेगा, हम उनके साथ में जुड़ करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आप अगर समझदारी से अपने मनोभावों को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपके अंदर भय बढ़ जाता है, दूसरे की चिंता आपको पड़ी रहेगी। आप यहां बैठे हो, आपके घर में जो आपके हैं उनको आप छोड़ करके आए हो तो उनका भय आपको है, याद आते ही, चिंता होते ही भय उत्पन्न होता है, और वह भय
संबंधों से बढ़ता चला जाता है। भय संबंधों के जितने ज्यादा वृद्धि होगी उतना ज्यादा वह भय उस संबंधी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए भय वहां है जहां संबंध है, जहां संबंध है वहां राग है, और जहां पर राग नहीं है वहां संबंध नहीं, जहां संबंध नहीं वहां पर भय नहीं। आदमी को लगता है कि जितना मैं अपने संबंध बनाऊंगा उतना ही मैं सुरक्षित रहूंगा, इसलिए किसी के संबंध नहीं भी होता है तो जबरदस्ती बुला बुला के बिठा बिठा के उससे अपना संबंध बनाता है आदमी। बैठ तो जा, थोड़ा सा मेरी बात तो सुन, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तू जब मेरे पास आता है तो मुझे बहुत निश्चिंतता आ जाती है, मुझे मन में कोई भी भय होता है तो दूर हो जाता है, न जाने क्यों मुझे तुझसे स्नेह है। बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा। और बेटा बैठ गया। अब बेटा तो बैठ गया लेकिन जिसने उसको बिठाया है उसे लग रहा है कि अब ये बेटा मेरे पास बैठा रहे तो मेरे को अच्छा लगता रहे। अब ये अच्छा लगने का मतलब क्या है? उसे भीतर भय है। उस भय को वह सुरक्षित कब कर समझ पाता है? कि जब उसके सामने कोई दूसरा बैठा हो। निर्भीकता जो होती है वो एक के पास होती है, और जो निर्भीक होता है वो कभी किसी से अपना भय बताता नहीं है। निर्भीक को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे भय लग रहा है या नहीं लग रहा है, या मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरे पास में बैठ करके अच्छा लगता है, या तेरे आ जाने पर मुझे अच्छा लगता है। इस तरह की बात करना भी भय का प्रतीक होता है। निर्भीक व्यक्ति अपने अंदर इस तरह का जब भाव नहीं लाता तो वह अपने अंदर इस तरह का कभी भी भय भी नहीं रखता, और बिना भय के वह कभी भी किसी से रागात्मक कोई संबंध बनाने की कोशिश भी नहीं करता। अब आप सोचो कि आपको संबंध बनाने पड़ते हैं कि नहीं। कई बार तो आपको पक्का मालूम होता है ये मेरा बेटा है तो भी उससे कहलवाते हो, बेटा बोल, पापा बोल। अगर बहुत दिनों से बेटे के मुंह से पापा ना सुना हो तो फिर बुलवाना पड़ता है उससे, बेटा बोल तो, मैं तेरा कौन हूं बता। नहीं समझ में? छोटे बेटे को आप कितनी बार पूछते हो घर में, बेटा मैं तेरा कौन हूं? कोई भी नया रिश्तेदार आ जाएगा तो उसके सामने उससे बुलवाएंगे, बता मेरा, मैं तेरा कौन हूं, बता मैं कौन हूं? तो वो कहेगा दादू, वो कहेगा नानू। तो उसे बार बार याद दिला करके आप अपने संबंधों को बनाते हो, और उस संबंध को बना करके आप अपने अंदर एक भय है। क्या भय है? ये है तो मैं निर्भय हूं, जबकि ये गलत गणित है, उल्टा गणित है। वो है तो आप भयभीत हो, लेकिन आपको लगता है कि मैं अगर अकेला हूंगा तो मुझे भय लगेगा। और जब तक आदमी के दिमाग में यह पड़ा रहेगा कि मैं अकेला हूं तो भयभीत हूं, वो आदमी कभी भी राग और वैराग्य का अंतर समझ ही नहीं सकेगा। वैराग्य में भय नहीं होता है। अगर वैराग्य में ही भय होता तो फिर संसार में ही उसे फिर निर्भीकता समझ में आती, और संसार में जितना आगे बढ़ता चला जाता तो वह निर्भय होता चला जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब जब आदमी की दुनिया में दो का पहाड़ा बढ़ेगा और वह उस दो के पहाड़े में अपने आप को जितना ज्यादा जोड़ता चला जाएगा वो उतना ही ज्यादा भयभीत होता चला जाएगा। इसलिए दुनिया का मतलब ही है जब तक हमारे सामने दो हैं। अब वो दो कोई भी हो सकते हैं, और अगर कोई भी नहीं है तो भी हमारे सामने जब तक ये ध्यान है कि ये दूसरा हमारा शरीर भी है तब तक दुनिया है। और जब ये ध्यान छूट जाए, नहीं मैं अकेला ही हूं, मैं सिर्फ आत्मा ही हूं, शरीर तो उसके साथ लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल निर्भीक हो जाएंगे। आपको कोई भी चैलेंज देगा, आपको कोई भी तरीके की आपके सामने बाधा आएगी, आपके सामने कोई भी तरीके का आपत्तिजनक कोई भी वातावरण उत्पन्न होगा, आप अपने आप में निर्भय होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं
एक हूं, मैं अकेला हूं। अब आप सोचो कि अगर आपके सामने कोई वातावरण भय का बना रहा हो तो आप क्या सोचोगे, मेरा कौन है, मेरा कौन है, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरे साथ होगा, नहीं समझ आ रहा? आप यही सोचोगे ना, मेरे साथ जब परेशानी होगी तो मेरे साथ कौन होगा। तो जितना आप ये सोचोगे मेरे साथ कौन होगा, जैसे ही आप दो की तरफ गए तो आपका भय बढ़ेगा। और हर आदमी यही करता है। मानो कि आपके घर में कोई कह दे कि आज शाम को चोर आने वाले हैं, आप अपने आप को बचा के रखना, सुन रहे हो, तो आप क्या करोगे? और आप घर में अकेले हो तो आप उस घर में अकेले रह करके चोरों से मुकाबला करने की सोच पाओगे, या सोचोगे कि हम घर में और भी दो चार लोगों को बुला लें? क्या सोचोगे बोलो? यही सोचोगे ना, घर में और भी हमारे कोई भी परिवार के लोग हैं, बेटे हैं, उनको बुला लें, आज हमको चैलेंज मिला है चोरी होने वाली, या कोई हमारे लिए मान लो कत्ल करने आने वाला है, या कोई ने कह दिया है आज की शाम आपकी अंतिम शाम है, तो आप क्या सोचोगे बताओ, हमारे साथ कौन? यही सोचने में आएगा। जब जब आप ये सोचोगे हमारे साथ कौन, आपके सामने भय होगा। और जब आप बिल्कुल ये निडरता के साथ में सोच पाओ कि मैं पहले से ही दो हूं, मुझे तो इस दो को भी एक करना है, और ऐसा अगर आपने मन में विचार किया तो आपके सामने भय आ नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है वैराग्य ही अभय है, राग में भय है। अपने शरीर से हुआ राग भी हमें भय उत्पन्न कराता है, और अगर अपने शरीर से हमें राग नहीं है तो हमें शरीर का भी कोई भय नहीं होगा। और जिसको शरीर का भय नहीं होगा उसे दुनिया में किसका भय होगा? उसे किसी का भय नहीं होगा। निर्भीकता का मतलब है कि अपने अंदर राग की कमी लाना, और राग से जो चीजें जुड़ी हुई हैं उन्हें अपने से अलग देखना। और ये चीजें अगर हमारे सामने हैं तो ये हमारे सामने अस्थिर हैं। स्थिर तो मेरा स्वभाव है, मेरी आत्मा है, स्थिर है, और कुछ स्थिर नहीं है। आत्मा ध्रुव है और शरीर अध्रुव है। आत्मा स्थिर है और शरीर अस्थिर है। जब ये विचार आने लग जाता है तो अपने आप मन भय मुक्त हो जाता है। आचार्य श्री के पिताजी का नाम क्या था बोलो? अब तो याद हो रहा होगा, समझ आ सकते हो कि पढ़ रहे होगे। बचपन की उनकी बात है, उनके भी पिता का नाम था, किसी को पता? अब अनासक्त योगी पढ़ रहे हो, परीक्षा होगी। मल्लप्पा के पिता का नाम पारिसप्पा, क्या था? वहां सब अप्पा अप्पा ही होते हैं, और अप्पा माने आत्मा। सब वहां पर अपना इसी तरह से आत्म भाव रख लेते हैं, धीरे धीरे अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। लेकिन बचपन में कोई कैसा भी हो सकता है। अब पारिसप्पा के सामने जब मल्लप्पा छोटे थे तो उस समय पर ये पढ़ते नहीं थे, स्वाध्याय नहीं करते थे, तो पारिसप्पा कई बार कहते थे सब काम करता है, सब करता है, लेकिन स्वाध्याय नहीं करता। मतलब ये संस्कार में था, घर में था स्वाध्याय करना। वो जितना कहते थे उतना ही उनके मन में नहीं करने का और भाव आता था, समझ में आ रहा? कभी कभी एक हठीला स्वभाव भी होता है। कैसा? हठीला स्वभाव। हठीला स्वभाव जानते हो, आदमी में भी होता है, औरतों में भी होता है। हठीला स्वभाव का मतलब कोई कुछ कहे तो एक हटसी बैठ जाती है, नहीं करूंगा, अगर कहा है तो और नहीं करूंगा। जैसे मम्मी कभी कहे बेटा भोजन कर ले तो नहीं करना, और जब कोई ना पूछे तो फिर ढूंढता फिरता है, भोजन खा रखा है, भोजन खा रखा है, ऐसा होता है ना। तो कई बच्चों के साथ भी ऐसा होता है,
तो ऐसे बच्चे जो है एक हठीले स्वभाव के होते हैं और ये स्वभाव सम के अंदर होता है। मल्लप्पा को कहा जाता पारिसप्पा, कह के परेशान, कभी मैं तुझे स्वाध्याय करता हुआ देख पाऊंगा कि नहीं, इतना तक कह दिया उन्होंने एक बार, तो भी मल्लप्पा के ऊपर कोई फर्क नहीं, अब तो और नहीं करना। अब वह स्वभाव बन गया कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से भाव कुछ अलग होता है और स्वभाव कुछ अलग होता है। कई बार ऐसा आप महसूस करोगे, भाव अलग जाता है स्वभाव अलग जाता है। वो जो आपको भूल गए कौन सी कल, तुंकारी, हाँ, तो वो तुंकारी अपनी कहानी सुना रही थी ना, क्या सुना रही थी? श्री जीण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश।